पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने कुछ दिनों पहले एक बेटे को जन्म दिया था। उन्होंने 58 साल की उम्र में आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए बच्चे को जन्म दिया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला उनका इकलौता बेटा था और उसे खोने के बाद उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया। जब उनकी प्रेगनेंसी की खबर सामने आई थी तो हम में से काफी लोग काफी हैरान हुए थे, लेकिन अब चरण कौर के बच्चे के जन्म देने पर विवाद खड़ा हो गया है और इसी विवाद के चलते केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। क्या है ये पूरा विवाद, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार को 14 मार्च को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 की धारा 21 के तहत ART सेवाओं के तहत जाने वाली महिला के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 से 50 वर्ष के बीच की है। इस एक्ट को सबसे पहले 2020 में पेश किया गया था। इसके तहत ART ट्रीटमेंट में आने वाली सेवाओं के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी ताकि महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। इसमें IVF, सरोगेसी, स्पर्म डोनेशन, इन सब चीज़ों को लेकर नियम कानून तय किए गए हैं। अब इन्हीं नियमों के तहत IVF ट्रीटमेंट की सेवाएं लेने वाली महिलाओं की उम्र 21 से 50 साल के बीच की ही होनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला की मां ने भी IVF ट्रीटमेंट की ही मदद से बच्चे को जन्म दिया और उनकी उम्र इस समय 58 साल की है। और वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की उम्र करीब 60 साल की थी। इसीलिए सरकार ने पंजाब सरकार से यह जवाब मांगा है कि इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट वो उन्हें सौंपे। यहाँ पर विवाद इसलिए छिड़ गया है क्योंकि ये ट्रीटमेंट 58 साल की उम्र में करवाया गया है। इससे उनकी सेहत को भी खतरा हो सकता था और इस उम्र में ज्यादातर महिलाएं मेनोपॉज में कदम रखती हैं। 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होने का भी रिस्क होता है। ऐसे में IVF ट्रीटमेंट करवाना महिला की जान को जोखिम में डाल सकता है और 50 साल की उम्र के बाद IVF कराना कानूनी तौर पर गलत है। अगर कोई कपल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून माना जाता है। IVF ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल IVF के लिए महिला और पुरुष दोनों के ही कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आगे का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पुरुष के सीमन को लैब में टेस्ट के लिए लाया जाता है और इनमें से खराब शुक्राणुओं को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद महिला के शरीर से अंडों को इंजेक्शन के जरिए बाहर निकाला जाता है और उन्हें फ्रीज करके रखा जाता है। इन अंडों के साथ अच्छे सीमन को लैब में विशेष तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है और इस फर्टिलाइजेशन से जो भ्रूण तैयार होता है उसको कैथेटर की मदद से महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके कुछ सप्ताह बाद महिलाओं को टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाता है और देखा जाता है कि गर्भ में भ्रूण कैसे तैयार हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी आरोप लगाया था कि बच्चे के जन्म के बाद से ही उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। बलकौर सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें परेशान कर रही है, सरकार बच्चे को लेकर सवाल उठा रही है। मूसेवाला के पिता का कहना है उनका बच्चा लीगल है। परेशानी से आहत होकर उन्होंने CM भगवंत मान से इसकी गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि वो सब बताने के लिए राजी हैं लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट के चक्कर में परेशान ना किया जाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।